फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सलोनी का स्वाद। फ्रेंड्स, जब कुछ मीठा खाने का मन हो, जब मन होता है ना, तो मीठे के बिना रहा नहीं जाता है। तो सिर्फ दो चीज़ों से बनने वाली रेसिपी है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना और 10 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाती है। कभी रात में, दिन में, जब भी मन करे तभी बनाइए और खाइए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं ये वाली बिस्किट ले रही हूँ, ये काजू बिस्किट है। इसके मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं और हमें इसे ग्राइंड करना है। तो हम इसे इस तरह से रफली तोड़ लेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, फाइन पाउडर बन गया है इसका। और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ चंक्स रह गए हैं तो आप इसे स्ट्रेन कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। इसे स्ट्रेन करने से क्या होगा, हमारा जो बैटर है वो काफ़ी स्मूथ बनेगा और केक राइज होने में हेल्प होती है। अगर उसमें चंक्स होंगे तो केक राइजिंग होने में थोड़ी सी दिक्कत करती है। तो इस तरह से आप भी इसे छान लीजिए जैसे मैं छान रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर ये कुछ छोटे छोटे से पीसेस इसके रह गए हैं ना, तो इसे आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ पक्षियों को डाल दो, उनका भी पेट भर जाएगा। तो बस यहाँ पर ये देखिए, मैंने पाउडर को अच्छे से छान लिया है, बिस्किट के पाउडर को। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच पाउडर शुगर। ये मैं ब्राउन शुगर ले रही हूँ और मेरे पास पाउडर शुगर है, इसलिए मैंने इसे ग्राइंड करने में नहीं डाला था। अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है तो आप 2 चम्मच चीनी उसी वक्त डाल लेना जिस वक्त आप बिस्किट को पीस रहे हो। तो बस यहाँ पर चीनी मैंने अच्छे से मिला लिया है। ये यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप दूध। दूध आप बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि बहुत जल्दी इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फिर रनिंग कंसिस्टेंसी में फॉर्म में आ जाता है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध ऐड करेंगे और जितना भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह की आपको कंसिस्टेंसी चाहिए इसके लिए, तो बस उतना ही दूध आप धीरे धीरे करके इसमें ऐड करते जाइए। और हमें इसे इस तरह से फेंटते जाना है जिससे कि इसमें लम्स ना बने, और बिल्कुल लम्स फ्री हमें इसका बैटर तैयार करना है। तो देखिए, यहाँ पर एक भी लम्स नहीं है, लेकिन बैटर अभी थोड़ा सा थिक है। और आप इसे ना 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़िए, क्योंकि बिस्किट जो है वो थोड़ी सी ऑब्जर्व भी करेगी मिल्क को। और अब हम इसमें अपने कुछ और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। यहाँ मैं टूटी फ्रूटी ऐड कर रही हूँ, मेरे पास ग्रीन कलर की है। अगर आपके पास जिस कलर की है आप वो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस की डाल रही हूँ। बस इन दोनों चीज़ों को डालकर, ये टोटली ऑप्शनल है। अब यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट डाला है। ये रेगुलर जो लेमन वाला आता है ना, ग्रीन कलर वाला, वो मैंने लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके रिप्लेस में 1/4 स्पून जो बेकिंग सोडा आता है ना, वो आप ऐड कर सकते हैं। और बस हमने इसे एक्टिवेट कर लिया है थोड़ा सा मिल्क ऐड करके। तो देखिए, ये इस तरह की हमें इसकी रिबन कंसिस्टेंसी चाहिए। बहुत ज़्यादा ना थिक चाहिए, ना ही बहुत पतली रनिंग में चाहिए। देखिए, मेरे पास यहाँ सिलिकॉन मोल्ड है, मैं इसमें इसे फिल कर रही हूँ। और आप हाफ ही फिल कीजिएगा, क्योंकि जब ये राइस होती है तो फिर मोल्ड से निकल जाती है। आप सिलिकॉन मोल्ड की जगह यहाँ पर जो पेपर कप आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने सारे कॉर्न जो कप हैं वो फिल कर लिए हैं। और ऊपर से इसके ऊपर अगर आप चाहें तो और टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स ऑप्शनल हैं। आप प्लेन बिस्किट का बनाएंगे ना तो उसका भी अपना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि बहुत फ्लेवरफुल होते हैं ये बिस्किट्स। ऑलरेडी इनमें काफ़ी कुछ इंग्रेडिएंट्स, बटर, क्रीम, मतलब एसेंस वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसमें पहले से ही ऐड होती हैं ये सारी चीज़ें। बट फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए, बिल्कुल यूनिक फ्लेवर देने के लिए जो मार्केट का होता है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा ऊपर से ऐड कर लेते हैं। तो देखिए, केक हमारे कप के बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब हम इसे ओवन में बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 10 मिनट पहले ओवन को प्रीहीट कर लिया था।
अब सारे कपकेक मैंने इसमें रख दिए हैं और देखिए 10 मिनट के लिए मैंने इसे सेट कर दिया है। 10 मिनट में केक हमारी बनकर जो कपकेक हैं वो तैयार हो जाएंगे। और देखिए 10 मिनट बाद हमारे केक्स बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं और कितने अच्छे से फूले हैं, देखिए पूरे अंदर तक पक गए हैं। मैं आपको टूथपिक से दिखा रही हूँ, सारे केक हमारे अच्छे से अंदर तक बिल्कुल पके हुए हैं और देखिए कितना फूले हैं। मैंने इन्हें हाफ ऑफ किया था और अच्छे से इनमें ये राइज हो गए हैं और हल्के हल्के से क्रैक्स भी आ गए हैं। तो फ्रेंड्स आप इन्हें ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। और चाहें तो आप इन्हें गार्निश भी कर सकते हैं, डेकोरेट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ चॉकलेट से, वाइट और मिल्क चॉकलेट से इसे गार्निश किया है, कुछ स्प्रिंकल्स डाल दिए हैं कि बच्चों को थोड़ा सा अट्रैक्ट लगते हैं। तो बस हमारे केक्स बनकर तैयार हैं, आप भी एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।